लीजिए ना कि ये जो चतरा राजा का गढ़ दीभा मोहल्ला छठ तालाब के पास, आइए जानते इसकी विस्तृत जानकारी। जानकारी में जैसा कि हमें पता है तो यहाँ पर आज से 8 साल पहले डॉक्टर हरेंद्र सिन्हा एक पुरातत्वविद रांची से आए हुए थे। यहाँ पर अभी आप जैसे उन्होंने बताया कि ये लगभग यहाँ के गढ़ का इतिहास जो है पत्थरों को या और भी जो बर्तन वगैरह जो यहाँ पर जो मिलते हैं उन चीजों को देखने के बाद ये पता चलता है कि ये पाल पीरियड का है, यानी आठवीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी के बीच यह पूर्णतः साम्राज्य था। और अभी भी यहाँ पर जैसे खुदाई करने पर कुछ पत्थर के बर्तन मिलते हैं जो अभी है यहाँ पर, अभी आपको हम दिखावेंगे, आप फोटो भी लीजिएगा, समझे, और पत्थर के बर्तन है। दूसरी बात यह है कि ये खैरवार राजाओं का था और इस जगह का नाम था दुर्गी पट्टी। दुर्गी पट्टी नाम से यह साम्राज्य चलता जा रहा था और चलते चलते 16वीं शताब्दी में राजा चतुर्भुज नारायण सिंह राजा बने 16वीं शताब्दी में। और कहा जाता है कि यहाँ पर एक देवी मंडप है, ये वाला, तो देवी मंडप में से रानी जो है वो छठ तालाब जिसको अभी कहते हैं रानी तालाब कहलाता था, तो ये देवी मंडप में अंदर अंदर कोई गुफा बनी हुई थी जिससे जाकर के रानी तालाब में स्नान करके चली आती थी अपने पर्दे में। दूसरी बात यह है कि 16वीं शताब्दी में दाऊद का आक्रमण चतरा पलामू वगैरह विभिन्न जगहों पर हुआ। दाऊद के आक्रमण में इन लोगों को जो यहाँ राजा थे उन लोगों पर आक्रमण किया गया और किले को ध्वस्त किया गया। राजा लोग यहाँ से पलायन कर गया और पलायन करके सुनते हैं कि वो पद्मा एस्टेट जो बना वो यहीं, उसका जड़ यहीं पर है, और चतुर्भुज नारायण सिंह के नाम पर ये चतुरा और वो कन्वर्ट कर गया चतरा में, चतरा नामक, चतरा का यह मूल चीज। और इस जो पाल पीरियड से जो लोग कहते हैं तो यहाँ पर जैसे ब्राह्मण बुलाए गए थे वह मानगढ़ चौपारण के पास से ब्राह्मणों को बुलाया गया था, दरबारियों को बुलाया गया था, मंत्री के तौर पर यहाँ पर कायस्थ परिवार को बुलाया गया था और उन लोगों को टाइटल दिया गया था प्रधान। आज भी जितने जो यहाँ दिभाग लाला लोग हैं कायस्थ लोग तो उन लोग प्रधान कहलाते हैं, प्रधान टाइटल रखते हैं। तो ये इसी राजा के द्वारा अलंकृत किया गया था, जैसे पहले राजा कुछ अलंकृत कर देते थे। यहाँ आसपास आप देखेंगे क्योंकि यह पाल पीरियड का माना जाता है और उस समय यहाँ इस्लाम नहीं आया था, तो यहाँ आप देखेंगे कि जितने पांचों पौनिया होते हैं वो सब इसके इर्द गिर्द बसे हुए हैं। ब्राह्मण हो गए, ठाकुर हो गए, लोहार हो गए, बढ़ई हो गए, माने पांचों पौनिया जो होते हैं वह इस गढ़ के चारों तरफ घेरे हुए हैं। उसके अलावे जो उस वक्त का व्यापार पद्धति जो भी हो रहा होगा, जैसे यहाँ पर दूध के लिए ग्वाला लोग की बस्ती है आसपास में दो साइड में, उसके बाद और भी जैसे है डोली उठाने वाले लोग, कहार लोग हैं, और मतलब जो उस वक्त की प्रक्रिया थी, तो बहुत सारे जाति के, हिंदू जाति के सनातनी लोग, क्योंकि इस्लाम उस समय 11वीं-12वीं शताब्दी में तो था नहीं, आया नहीं था, तो हिंदू लोग जो है वह जो इतने कामगार प्रवृत्ति के लोग हैं वह सब इस गढ़ को घेरे हुए हैं। हम पूरे प्रमाणिकता के साथ नहीं बोल सकते लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि एक बार बहुत जोरदार ये 20वीं शताब्दी में प्लेग रोग फैला था जिसके कारण, उस महामारी के कारण यहाँ के लोगों का पलायन हुआ और पलायन होकर के वो चले गए गुदरी बाजार, वहीं पर अभी भी देखेंगे तो वहां दुकानदार लोग काफी हर तरह के, और फिर वही गुदरी बाजार बना। गुदरी बाजार बनने के बाद फिर डेवलपमेंट का दौर जो है वह चल
चला गया मेन रोड साइड उधर पत्थलदास मंदिर के साइड, और अब जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वह कॉलेज रोड की तरफ है। तो इसी तरह यही इतिहास है। अभी इस वॉच टावर चारों कोने पर है, इस गढ़ पर चारों कोने पर वॉच टावर बने हुए थे। उसका माउंट जो धंसा है वह माउंट अभी भी यहां पर है, और सभी माउंट की दूरी अगर आप पैरों से नापेंगे तो 91 कदम पर है। तो यह साइंटिफिकली बना हुआ था, ऐसा नहीं कि यह किसी ध्वस्त पहाड़ का अवशेष है और बातें बनाई जा रही, वैसा नहीं। एक ज्योमेट्रिकली और साइंटिफिकली जो मेजरमेंट जो है, जो चारों वॉच टावर्स की दूरी बराबर है, तो यह दर्शाता है कि सही में यह वास्तव में गढ़ रहा है।